नंबर्स नहीं रह सकते, सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, क्वांटम नंबर तो सेम होते हैं। मतलब क्या बोलते उन कोई भी अकॉर्डिंग टू पॉलिस प्रिंसिपल दो कोई भी टू इलेक्ट्रॉन्स की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब फोर क्वांटम नंबर्स की, चारों क्वांटम नंबर्स की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, ये पॉली ने बताया था। फिर ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है, यश ऑफ बॉ क्या बोलता है, यश टॉमरी ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है, यश यश है क्या दूसरा वाला, यस सर। हाँ बेटा बताओ ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, एनर्जी तो कैसे चेक करते हैं एनर्जी, एनर्जी कैसे चेक करते हैं, एन एन प्लस एल, एन प्लस एल रूल, अगर एन प्लस एल रूल नहीं है ना कहीं पे, एन प्लस एल अगर छोटा है तो अपन, अगर एन प्लस एल सेम है तो फिर सेकंड पे जाते हैं कि भाई एन चेक करो आप, और फिर ये एक मेमोरी मैप अपन ने बनाया था, आई होप ये सब आपको याद है। फिर एक होन्स था, होन्स बोला तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक इंडिविजुअली फिल ना हो जाए, और फिल पे ऐसे होते हैं सारे पैरेलल प्लेस होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट देखा था पॉली, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, इसके अंदर अपने को मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते आना चाहिए, नंबर ऑफ अनपेड कितने हैं ये निकालने आने चाहिए। फिर हमने दो एक्सेप्शन देखे थे, एक क्रोमियम का होता है और एक कॉपर का, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन ये पार्ट देखा था, ठीक ओके। सो अभी आज नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, आज की तारीख कितनी है, आज की तारीख मैसेज करो, आज की तारीख 13 जुलाई। अच्छा मैंने ये नोट करके लिखा दिया था, नोट 3D4 एंड 3D9 कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट पॉसिबल इन 3D सीरीज, ओके सर। अच्छा अब व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, कॉपर और क्रोमियम के ये जो कॉन्फ़िगरेशन आई उसका रीजन क्या है, व्हाई इज इट लीडिंग टू सच एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो रीजन एकदम सिंपल सा है, ठीक है, एकदम सिंपल सा रीजन है। पहला है फर्स्ट है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला क्या है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इसके अंदर एक सिंपल सी बात बोलनी है, देखो देखो ध्यान से सुनना, पहले स्टेटमेंट समझ लो फिर मैं आपको समझा दूंगा क्या स्टेटमेंट है, एक सेकेंड। देखो क्या है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता क्या है, आपकी जो भी सिमेट्री है उससे स्टेबिलिटी आती है। अगर आप सिस्टम की बात करो तो सिस्टम में अगर स्टेबिलिटी हो सॉरी सिमेट्री हो तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन फेस देख लो या ह्यूमन बॉडी देख लो, ह्यूमन बॉडी को देखो, इधर आंख इधर आंख इधर ऐसे दांत, ठीक है। तो यहां से ह्यूमन बॉडी के फेस को कट करो तो एकदम सिमेट्री है, देख रहे यहाँ पे एक आंख तो उसका सिमेट्री, यहाँ पे एक नाक तो दो नोस्ट्रल्स, एक नोस्ट्रल इधर एक नोस्ट्रल इधर, दांत 32 16 इधर 16 इधर, एक कान इधर एक कान इधर, ठीक है। तो ह्यूमन बींग में भी क्या है सिमेट्री है, सिमेट्री आप नेचर में देखो बहुत जगह आपको सिमेट्री मिलेगी, अर्थ अर्थ ही मान लो गोला है, ठीक है, या आपके हाथ में पेन है लैपटॉप है मोबाइल है कुछ बहुत अच्छे अच्छी चीजें सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री क्या होता है,
सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. क्या है? एक सिंपल सा रीजन है, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. देखो दुनिया में एक ही काम है हर एक एक एटम का. देखो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये जो भी होती हैं, वो सब स्टेबिलिटी के लिए होता है. देखो लाइफ में भी क्या होता है, सारी चीजें आप जो भी कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए. आप देखो सबका भी स्टेबल होना है लाइफ में. देखो आप जो भी बड़े लोग रहेंगे, ठीक है, आप लोग तो अभी बहुत कुछ सोच सकते हो, वो सब यही चाहते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी हो. लाइफ में स्टेबिलिटी मतलब अनसर्टेन इवेंट्स ना आए. पता चला आज अपन यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बेटर से बेटर स्टेबल होना चाहते हैं. जैसे आज अभी लेट्स से आप अकोला में पढ़ रहे हैं, फिर आपका सपना है कि भाई मुंबई चलेंगे, फिर यूएस चलेंगे, तो आप क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ. ठीक है, एक ही साल में 1 CR आ रहा, 10 CR आ रहा, तो उससे क्या होगा, सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी. घर में इतने पैसे है, ठीक है, बढ़िया आप बढ़िया कुछ काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो और बढ़िया करोगे स्टार्टअप वाटअप. तो मेन एम क्या है, एटम्स में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं. तो सिमेट्री क्या करती है, स्टेबिलिटी देती है. सिमेट्री क्या देती है, स्टेबिलिटी. और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स. Half filled and fully filled subshells are having symmetrical distribution of electrons in them. So they are more stable. इसकी वजह से वो ज्यादा stable है. ठीक है, अच्छा ये देखो, ये जो d orbital है, d में कितने डिब्बे होते हैं बताओगे? d में कितने डिब्बे होते हैं बेटा? पांच. तो 1, 2, 3, 4. जब आपने क्रोमियम का लिखने का ट्राई किया, क्या किया आपने, क्रोमियम का लिखने का ट्राई किया, तो क्रोमियम में ये जो चार है तो ये खाली रह गया, सिमेट्री नहीं है. तो क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके क्या करता है, इसको कंप्लीटली हाफ फिल्ड बना देगा. देखो ये 3D है और ये 4S है, तो 4S से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर गया, 4S से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर गया, तो ये चीज क्या बनी, दिस इज हाफ फिल्ड. ये कैसे बने, ये हाफ फिल्ड है. और हाफ फिल्ड क्या होता है, सिमेट्री है. हाफ फिल्ड ये क्या लाता है, सिमेट्री. सिमेट्री से सिस्टम होता है स्टेबल. क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बच्चों? लॉजिक समझ में आ रहा है, सिमेट्री स्टेबिलिटी देती है, और हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं. देखो ये बीच वाले को पकड़ो, इसके बगल में एक, इसके बगल में एक, इसके बगल में एक, इसके बगल में एक, सब एक समान हो गए. देखो मान लो आप खाना खा रहे हैं, आप दो भाई लोग हो, ठीक है, दो भाई या दो बहन हो, ठीक है, मान लो सिमरजोत और सिमरजोत की बहन, छोटी बहन दीदी, ठीक है, मान लो सिमरजोत खाना खा रहा, सिमरजोत को मिले 5 समोसे और उसकी दीदी को मिला 1 समोसा, तो ये सिमेट्री नहीं है. ठीक है, अभी लोग क्या करेंगे, सिमरजोत बड़े दिल वाला बच्चा, उसने 3 खुद रख लिए, 2 दीदी को दे दिए, तो अब दीदी के पास कितने हो गए? देखो दीदी मान लो समरजोत की दीदी उसके बराबर ही है पर छोटी है, तो 1 समोसा ये 6 समोसे या स्वीट्स मान लो, तो ये क्या करेगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा सिमेट्री. दोनों भाई भाई है ना, भाई बहन है या गीत के भाई बहन हो, तो ये अपने 2 इसको दे देगा और 1 पहले से इसके पास है,
इसके पास भी तीन, इसके पास भी तीन, सेम हैपेंस हियर। इसके पास दो थे तो इसने बोला कि यार ये बंदे के पास कुछ नहीं है, चलो मैं इसको दे देता, अब इससे क्या होगा, सिमेट्री हो जाएगी। अब देखो कितना प्यार बढ़ेगा भाई बहन में, क्या यार भैया ने कितना बढ़िया काम किया, अपने हिस्से का समोसा मुझे दे दिया। अरे समझ में आ रहा है क्यों, सिमेट्री स्टेबिलिटी को लीड कर। ओके, तो हाफ फिल, हाफ फिल बहुत बढ़िया चीज है, हाफ फिल्ड होना बहुत बढ़िया चीज है। हो गया, हो गया तो डन लिखो। देखो ईमानदारी से सब कुछ समझ में आया, सिमेट्री, सिमेट्री तो समझ में आता है ना, अपना चेहरा देखना कभी और उसमें देखना बीचों बीच से सिमेट्री है। ओके हो गया सभी का, ठीक है। रितेश अग्रवाल फ्रॉम चिकली, कुश, सृष्टि, कुश जनता बैंक वाला, जनता बैंक माइक ऑन करो। यस सर, कितनी रिकॉर्डिंग हो गई सर? अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, बेसिक मैथ में, बेसिक मैथ चल रहा है। कौन सा लेक्चर सर? सिक्स्थ हो गया। सिक्स्थ हो गया लेक्चर? आज आए थे के सेंटर पे? नो सर। क्यों नहीं आए थे सर? आज बाहर काम था। बाहर काम से गए थे? इतने बड़े हो गए तुम? श्रवण को देखो, श्रवण रोज आता सर, मैं भी रोज आता सर, पर आज नहीं आया था। देखो आज मैं आया था, हाँ सर आज नहीं आया था सर, बाकी रेगुलर रोज आ रहा। ठीक है आगे कंटिन्यू करो। थर्ड पॉइंट, ये इफेक्ट जो है ये ज्यादा डोमिनेंट है डी और एफ में। जो आपने पी पढ़ा एस पढ़ा, उसमें ये डोमिनेंट इतना ज्यादा नहीं है। ये ज्यादा किसमें डोमिनेंट है? डी और एफ सबशेल्स में, ठीक है, डी एंड एफ सबशेल्स में ज्यादा डोमिनेंट है। पहला पॉइंट मैंने लिखा दिया था, सिमेट्री लीड्स टू सिमेट्री, सॉरी स्टेबिलिटी, हाफ फिल वो ज्यादा स्टेबल है, फिर दिस इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट इन डी एंड एफ सबशेल। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो एग्जांपल के तौर पे। देखो पी सबशेल की मैं अगर बात करूं, इसमें तो ज्यादा नहीं होता, पी सबशेल की बात करूं तो पी में जनता बैंक कितने डब्बे होते हैं? थ्री में कितने डब्बे होते बेटा? सर थ्री, थ्री, ओके तीन डब्बे होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए कि ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? सिक्स, या तो हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो। यस सर, हाफ फिल्ड हो तो ये तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फुल्ली फिल्ड, सारे डिब्बे भर गए पूरी तरह से, एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। क्यों? अगर सिमेट्री है, देखो सब कुछ सारे के सारे पी सबशेल है, पी सबशेल पूरा भर गया या आधा भरा हो, हाफ फिल्ड हो, तो दोनों में आप चूज कर सकते। अच्छा डी सबशेल बताओ, डी सबशेल में कितने डिब्बे? अभी जस्ट बताए थे पांच डिब्बे होते हैं सर, फाइव डिब्बे, तो कितने इलेक्ट्रॉन? पूरी जनता रिप्लाई करेगी व्हाट्सएप पे, सॉरी इस पे चैट पे, कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे सबसे ज्यादा? टेन और फाइव, फाइव एंड टेन, रियल का भी सही है, आर मोर स्टेबल, बहुत बढ़िया। दो तीन चार पांच और एक ऐसा है ना। अच्छा तो नेक्स्ट बताओ, एफ सबशेल में कितने डिब्बे होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है? एक दो तीन चार पांच छ, ये थोड़ा बड़ा बन गया ना, एडजस्ट कर लेना, सेवन एंड फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल।
7 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल. हो गया. पी डी एफ ठीक है. हो गया डन. लिखो ओके. अब जरा देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये सेकेंड रीजन है फॉर स्टेबिलिटी, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी. क्या है ये? एक्सचेंज एनर्जी. देखो जब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होते हैं ना, वो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्या रिलीज करते हैं? एक्सचेंज एनर्जी रिलीज करते हैं. अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं. पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर इसको अपन समझा देंगे आराम से एकदम. दिस स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अराइजेस. दिस स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अराइजेस व्हेन एवर टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स with same spin, two or more electrons with same spin are present in the degenerate orbitals, are present in the degenerate orbitals of subshell. देखो ये फिनोमेना जो है कब अकर होता है? जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन क्या हो, सेम हो, वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? ऑर्बिटल्स में. क्या होता है ये इफेक्ट? जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन सेम हो वो प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स. व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? Degenerate orbitals means orbitals having same energy. Okay sir. तो यहां पे देखिएगा जरा, क्रोमियम का हमने कॉन्फिगरेशन लिया, पुराना वाला 4s, ये पुराना वाला लिया जो कि करेक्ट नहीं है. ये देखिए, अच्छा डी 3d है. खुशी बताओ 3d में अगर मैं ये लू तो बेटा कितने डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सर 4. खुशी डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सर 4. अरे कितने हैं डी में? कितने हैं? बाकी लोग मैसेज करें, डी सबशेल में कितने हैं? आवाज आ रही मेरी? सर 4 डी में. डी में कितने होते? अच्छा ओके 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 ठीक है, 4 है. तो एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज देखो ध्यान से सुनो, एक्सचेंज कभी एक्सचेंज करो. मान लो आपने 500 का नोट एक्सचेंज किया तो आपको क्या मिलेंगे? 500 का अगर नोट एक्सचेंज किया तो 5 100 रुपए के नोट मिलेंगे. हाँ सर.
तो आप है ना अपनी वैल्यू से किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है, आपने कुछ एक्सचेंज कर लिया, डॉलर को रुपीस में कर लिया, तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये सारे पैरेलल है, देखो क्या है, अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अराइजेस व्हेन टू और मोर सेम स्पिन प्रेजेंट होते हैं, सेम डी वाले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन उड़ी मारेगा इसमें, ये इसमें और ये इसमें, ये ऐसे कुदी मार के उड़ी मार के ये क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, क्या कर सकता है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। बताओ पहला इलेक्ट्रॉन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, इसने कितने एक्सचेंज किए, ये तो खाली डब्बा है, ये खाली डब्बे में कुछ नहीं होगा, इसने कितने एक्सचेंज किए, पहला इलेक्ट्रॉन कितनी जगह पे जंप कर सकता, अरे बताओ ना भाई, पहला वाला इलेक्ट्रॉन कितनी जगह पे जंप कर सकता, तीन, एक्सचेंज कितने हुए, तीन, हाँ सर। अच्छा अब ध्यान से सुनना, जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला वो भी एक्सचेंज कर सकता, हाँ, अब वो किससे एक्सचेंज करेगा, देखो दूसरा वाला जो है पहले से एक्सचेंज करके कोई मतलब नहीं है, बताओ क्यों, दूसरे वाले का पहले वाले से एक्सचेंज, क्योंकि पहले हो चुका ना एक बार, तो ये दूसरा वाला जाएगा तीसरे के पोजीशन पे, दूसरा वाला जाएगा चौथे के पोजीशन पे, बताओ कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, अरे वन और टू में तो पहले ही अदला बदली हो गई, अब एक और तीन में अदला बदली हो गई, एक और चार में अदला बदली हो गई, दो वाला तीन के पास अदला बदली कर सकता है, या दो वाला चार के साथ अदला बदली कर सकता है, एक्सचेंज कितने हुए, दो। अच्छा लास्ट देखो, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार, ये लास्ट थ्री वाला किसने एक्सचेंज कर सकता है, तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला चौथे की तरफ एक्सचेंज कर सकता है। एक सेकेंड, टोटल एक्सचेंज कितने हुए, टोटल ऊपर तीन नीचे दो फिर एक, तीन दो एक, टोटल कितने एक्सचेंज पॉसिबल है यहाँ, छः, टोटल कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, छः, टोटल एक्सचेंज पॉसिबल लिखे, टोटल टोटल एक्सचेंज पॉसिबल इन, अरे एक सेकेंड, ये क्या हुआ, स्क्रीन नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, हाँ इसको सेटल कर देते हैं अपन, नहीं दिख रहा, एक मिनट रुके, अभी दिख रहा, सबको स्क्रीन दिख रहा क्या मेरा, स्क्रीन दिखाई दे रहा,
ओके, टोटल एक्सचेंज इन दिस केस इज इक्वल टू 6. इस केस में टोटल एक्सचेंज कितने पॉसिबल है? 6 पॉसिबल है. हाँ, 6 एक्सचेंज पॉसिबल है. नेक्स्ट देखिए, अगर हम ट्रू वैल्यू की बात करें क्रोमियम की, एकदम करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की, तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 4s में एक होता, 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता, और 3d में 1, 2, 3, 4, ठीक है, 3d में 5 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये एक सेकेंड वेट करो, बार बार कुछ हो रहा है, मैं नेट ही चेंज कर देता हूँ. यार इतने रिकॉर्डिंग बंद की. देखो क्वेश्चन है, फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम. क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर दिए हुए, N4, L0, M0. तो मेरे को पता चल रहा है ये L0 मतलब S, ये N4 है, दिस इज 4S, और अभी तक M एक ही ऑर्बिटल है, तो उसके अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये दोनों पॉसिबल है. तो इसमें ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, या तो ये 4S1 हो सकता है या 4S2 हो सकता है. ठीक है, तो 4S1 दिस इज पोटेशियम, ये होता है कैल्शियम, तो ये ठीक पॉसिबल. ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट विद क्वांटम नंबर 11. तो 11 के लिए अपन ने पता है सोडियम है, उसका अपन ने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. अब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, तो n इसका 3, s और s सबशेल है तो 0, पहला ऑर्बिटल है तो M0, S प्लस हाफ भी हो सकता या माइनस हाफ भी हो सकता, तो यही चीज पॉसिबल है इनमें. ठीक, और इससे पहले क्या किया था, द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम 4s टू 3d रिक्वायर्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द एक्सचेंज एनर्जी. एक्सचेंज एनर्जी बताया था ना मैंने, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में गायब हो गया. एक्सचेंज एनर्जी मतलब कभी आप रेफर करो तो पुराने कभी वीडियो देख लिए तो ये एक्सचेंज एनर्जी पहले में मैंने बताया था, फिर नए में 10 होते हैं अगर ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके एक्सचेंज एनर्जी जितने ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा एनर्जी. ओके चलिए एक सवाल और पूछते हैं आपसे, ये थोड़े से हट के सवाल है. कोई कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, हमने 3 रूल पढ़े हैं, पॉली, ऑफबॉ और हुंज. अच्छा ये बताओ, आपको ऐसी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, बोले इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है बताओ. टेक्स्ट करो. आपने 2-3 कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी 3 रूल पढ़े, ऑफ बॉ, होन्स, पॉली, इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? इसमें वेरी गुड, काबरा जी का आया, सिमरजोत आपसे ये पूछ सकता, इन विच ऑफ द फॉलोइंग होन्स रूल इज इनवैलिड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीज रूल इज इनवैलिड, वायलेट कौन सा रूल हो रहा है इसके अंदर? वेरी गुड वेरी गुड, प्रियल, प्रतीक, कार्तिक, भाग्य, अरे भैया सुमित, सारी जनता ने हुंज बोला, सुमित पता नहीं क्या बोला, ऑफ वो नहीं भाई. सृष्टि बताओ बेटा कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? हुंज रूल. हुंज रूल क्या बोलता है बेटा? So, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पैरेलल होने चाहिए. हाँ, पैरेलल स्पिन से होने चाहिए. तो यर हुंस रूल इज वायलेटेड. ठीक है, ओके.
अच्छा आपको ऐसा कुछ दे दे, है ना? अब इसमें बताओ, गौरी गौरी आई है क्या? गौरी इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा? सोचो 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 सोचो। दिव्यम, हर्षिल, काजल, कौस्तुभ, कुश, मनन, मनीष, सोचो। रोहित, बता बेटा कौन सा रूल वैलिड इनवैलिड हो रहा? किसी को नहीं चमक रहा? अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन सही है कि गलत है? अरे सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि एक ही डिब्बे में आपने पेयरिंग कराई। हाँ बट पेयरिंग कराते वक्त दोनों ऊपर नहीं हो सकते। अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऊपर हो गए, दोनों के क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, तो ये नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो रीजन क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन। क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन रूल। वेरी गुड, सेम एड्रेस हो गया। वेरी गुड, रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल ओयू के फाउंडर। ओके, दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन रूल वायलेट हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। नेक्स्ट, इसमें बताओ, इसमें ये कुछ वायलेट हो रहा क्या? इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा? अगर हो रहा तो अरे इसमें इसमें क्या वायलेट हो रहा? ये 3s कर दो, 3p कर दो, नथिंग इज वायलेटेड। अच्छा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अरे ना 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 ना, अरे कुछ भी वायलेट नहीं हो रहा भैया, सब सही है यहाँ। अरे ये ऊपर ये नीचे, हाँ ये फिर पहले ऊपर 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 डाला और एक पेयरिंग कर दी, पेयरिंग भी उल्टी करी है। तो यहाँ पे पहले 3s भरा, फिर 3p भरा, ऑफ वो वैलिड हुआ, फिर हुंड्स भी वैलिड है। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक पैरेलल स्पिन ना मिल जाए, और पॉली वाला भी सही है। क्लियर है? ये दिस इज कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट, ऑल द थ्री रूल्स आर फॉलोड। यस नो, फटाफट मैसेज करो। वाह ठीक है, ओके वेरी गुड। अच्छा कभी है ना आपको ऐसे दे दे, सुनो कभी है ना आपको ऐसे दे, दिस इज 3s एंड दिस इज 3p, बोलो ये सही है कि नहीं? 3s 3p दे दिया मैंने, नाम दिया है, ये पॉसिबल है क्या? 3s 3p दिया है। आप बोलोगे सर पॉसिबल हो सकता, हाफ फील्ड है, अभी आप थोड़ी देर पहले बताए थे। नहीं बेटा, यहाँ पे हाफ फील्ड कब होता? जब यहाँ पे डी होता, डी 4s और डी। ऐसा नहीं है कोई भी आधा आधा भरा हुआ दिख रहा तो चलो इसके साथ में ओपन कर लेंगे। हाँ भाई ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट पॉसिबल, सिंस सिंस दी ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स आर एस एन पी, एस एन पी
exchange is not possible. Exchange is not possible. Since the orbitals are s and p, exchange is not possible. Since the orbitals are s and p, exchange is not possible. Orbitals s and p hai, exchange is not possible. Note karke likh bhi lenge apan. Exchange of electron from s subshell to p subshell, s subshell to p subshell requires high energy. अरे देखो हुआ क्या ना, अब मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला भी गया तो एक्सचेंज बहुत ज्यादा थोड़ी बढ़े, एक दो, ये दो एक्सचेंज कर लेगा और ये एक तीन एक्सचेंज में कोई फायदा होता भी नहीं, इतनी एक्सचेंज एनर्जी नहीं निकलती. सो इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट जंप from S to P for getting half filled configuration. इसको लिख लीजिए ना, half filled किस में होता है, कौन सा orbital में ज्यादा होता है half filled किसमें सबसे ज्यादा होता है, हाफ फिल सबसे ज्यादा होता है डी में और एफ में. ये एस और उसमें बोले तो मजाक कर रहे आपसे, गलत चीज होगी, वो हो गया तो डन लिखो. ओके इतना अच्छा. अब थोड़ा और अच्छा सवाल. चलिए नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव, अरे किसका माइक चल रहा है, अनुष्का माइक बंद. फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव S is equals to plus half in an atom having Z is equals to 7. एक एटम है उसके अंदर Z की वैल्यू 7 है, आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का S plus half होगा. तो पहले तो बताओ कौन बताएगा इसका आंसर, अनुज गुप्ता रॉक स्टार. हाँ भाई अनुज माइक ऑन करो. अनुज गुप्ता, गुप्ता जी नहीं है. सो कौन, मनन माइक ऑन करो. यस सर. बताओ बेटा सर, वो नाइट्रोजन का आएगा, नाइट्रोजन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3. ओके हाँ. तो 1s में ऊपर नीचे, 2s में दो और 3p में ऊपर नीचे, इसमें तीन अलग. हाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके s प्लस हाफ है. देखो
ये ऊपर की तरफ मान लो प्लस हाफ है, तो एक यहां से हुआ, एक यहां से हुआ, यहां से कितने हुए? तीन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका प्लस हाफ हो सकता? S इज इक्वल्स टू प्लस हाफ। ये देखो, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड, तो मैं बोल सकता हूं सर टोटल फाइव इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। ऊपर की तरफ अपवर्ड, अपवर्ड, अगर अगर अपवर्ड इज, इफ अपवर्ड इज S इज इक्वल्स टू प्लस हाफ, इफ अपवर्ड इज S इज इक्वल्स टू प्लस हाफ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इज फाइव। अच्छा एक और केस बन सकता है यार, किसने बोला ये देखो, ये तो इनमें पेयरिंग होनी है, ये 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है, पेयरिंग होनी है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p, 2p में, 2p में किसने कहा कि ये सिर्फ आखिरी वाले ऊपर जाते हैं? ऐसे भी तो कर सकते हैं अपन, पैरेलल स्पिन होना चाहिए, पैरेलल स्पिन होना चाहिए, पैरेलल स्पिन होना चाहिए, ऊपर नीचे किसी ने बोला नहीं है। मैं पहले ये फील कर रहा हूं और जब बाद में एक ही तो समझ में आई, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये नहीं आ रहा क्या? मैंने बताया था ना बेटा, ऊपर और नीचे कुछ भी आप उसको अज्यूम कर सकते हैं। मान लो अब एस प्लस, एस इज इक्वल टू प्लस हाफ कितने इलेक्ट्रॉन्स का है? ये तो सारे के सारे एस इज इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा इनका, तो डाउनवर्ड अपवर्ड प्लस हाफ, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? तो आंसर इसका टू भी आ सकता है, इसका आंसर टू भी आ सकता है और फाइव भी आ सकता है। दिस क्वेश्चन हैज टू आंसर्स, द आंसर्स, आंसर कैन बी टू एज वेल एज फाइव। हाँ भैया अनुज सर, थ्री और फोर भी तो आ सकता ना? क्या क्या आंसर थ्री और फोर भी आ सकता ना? आंसर थ्री और फोर कैसे आएगा बेटा? सर टू पी में अपन है ना सेकेंड वाला कभी ऊपर कर दिए तो थ्री हो जाएंगे। अरे पैरेलल स्पिन होना चाहिए, वायलेट थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा ओके सर, पैरेलल स्पिन होना चाहिए, या तो ये सारे ऊपर हो या सारे नीचे, सारे ऊपर है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइव हो गए, और सारे नीचे हैं तो जो ऊपर की तरफ है वो अगर हमने प्लस प्लस हाफ माना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स विथ एस इज इक्वल्स टू प्लस हाफ इज टू। समझ लगा? टोटल इलेक्ट्रॉन विथ एस इज इक्वल्स टू प्लस हाफ इज टू। अरे आ रहा है बच्चों थोड़ा बहुत समझ में? ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके चलो, अगर ये समझ में आया तो इसका बताओ मुझे जरा, सबने छाप भी लिया? सबने छाप लिया? सुमित ने छाप लिया, राघव, राघव, यश, तन्मय, सिद्धांत, साक्षी, रुद्रेश, प्रतीक, पलक, पलक से तो सवाल ही नहीं पूछा, पलक बताएगी नेक्स्ट सवाल का जवाब। पलक तुम्हारे बेटा रिकॉर्डिंग बहुत बाकी है, अभी क्या चल रहा है तुम्हारा रिकॉर्डिंग में? सर बीएसएम सर का हो गया पूरा रिकॉर्डिंग, जीपी का, मोल का या जीपी? जीपी मोल बाकी है, मोल भी हो गया सर। तो फिर एटॉमिक करना होगा अभी। यस वेक्टर सर। वेक्टर कुछ भी नहीं हुआ ना? नो सर, करना पड़ेगा। तुम बैठ के एकदम जैसे ही लेक्चर खत्म हो तुरंत खा पी के आ जाया करो, और 4 बजे तक रहना है सेंटर पे, तुम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी निकल आते। चलो पलक इसका आंसर बताओ, फाइंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स
ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम विद एस इज इक्वल्स टू प्लस हाफ. सोडियम में कितने एटम्स हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका एस प्लस हाफ हो सकता है. पहले सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा. अलग यस सर. हाँ बताओ. सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हाँ तन्मय तुम बताओ बेटा. 1s2 2s2 2p6 3s1 बस कितनी बार तो कर ही रखा. तो ये और ये और ये. तो दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p, दिस इज 3s. ठीक है. सो इसमें जो है ऊपर नीचे, फिर इसमें भरेगा, फिर दूसरा इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें, फिर इसमें तो 6 भरने हैं. तो सर ये भी हो गया. अच्छा सर इसमें कैसे भरे, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है. तो दिस इज दिस, या इसको ऐसे भी भर सकते हैं हम. तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनका s प्लस हाफ है, जिनका अपवर्ड स्पिन है. वेरी गुड. दो आंसर है इसके. गौरी शाबाश, प्रतीक शाबाश, सृष्टि अद्वैत यश, ओम काबरा, सोहम, जो दो हो गए ना भाई, प्रतीक कौस्तु ओम. बाकी जनता क्या कर रही है, फटाफट आंसर करो. रोहित मनीष प्रथम भाई, प्रथम भैया है कि नहीं आज, प्रथम भैया. यस सर. हाँ बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ. हाँ सर. अरे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते तुम. अरे प्रतीक प्रथम रिस्पॉन्ड क्या करो. मयंक भैया. यस सर. बेटा क्या हो रहा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ. यस सर. अरे मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं. आ रहा है. आ रहा पक्का. यस सर. लड्डू की तरह गोल गोल तो नहीं घुमा रहे. नो सर. चलो होपफुली समझ में आ रहा होगा तुम्हें. ओके तो देखिए अगर यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जिनकी प्लस हाफ की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है, 5 इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन दोनों ही पॉसिबल. ठीक है. नंबर हाँ वही 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं बेटा. तो ये सवाल हो गया. अच्छा एक जो है ये आपको करना है, 5 भी हो सकते हैं या 6 भी हो सकते हैं, इसका आप मुझे खुद ढूंढ के बताएंगे. Z इज इक्वल्स टू प्लस 2 है, सॉरी Z 22 है. फाइंड इलेक्ट्रॉन्स विद S इज इक्वल टू प्लस हाफ. कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका S प्लस हाफ है, निकालो. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका S प्लस हाफ है. अरे लॉजिकल सी बात है यार, ये जिनके फुल्ली फिल्ड है ना बेटा, फुल्ली फिल्ड, इसके अंदर 1, इसके अंदर 2, सॉरी इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, तो इनसे तो आधा आधा निकाल लो. जो भी फुल्ली फिल्ड है
उसके अंदर एक प्लस हाफ होगा एक माइनस हाफ, तो फुल्ली फिल्ड में तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या किस पे आती? हाफ फिल्ड में। अरे ये देखो, दो प्लस दो प्लस छह दस हो गए, अब दस का हाफ तो कर ही लो, इससे एक मिलेगा, इससे एक मिलेगा, इससे तीन, तो पांच तो मिल ही गए। अब इसमें प्लस हाफ भी हो सकता माइनस हाफ भी, तो वैसे इसका निकालो, देखते कितने लोग निकाल पाते। निकालो भैया जल्दी जल्दी, लॉकर लॉकर। वेरी गुड, कईयों का आंसर आ रहा। ये एकदम सिंपल, क्या z है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ 4s2 और 3d कितना है ये 22 में। यश बता बेटा कितना है इसमें? सर 3d2 3d2 ठीक। तो इसके अंदर टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? दो, इसमें दो, इसमें छह, इसमें दो, इसमें छह, इसमें दो, तो ऊपर नीचे ऊपर 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 नीचे 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 ऊपर नीचे ऊपर 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 नीचे नीचे नीचे। अरे भैया इससे तो सर इससे दो हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे एक, इससे एक, इससे तीन, इससे एक, इससे तीन, इससे एक। अब ये दो ऊपर भी हो सकते हैं सर या नीचे भी हो सकते हैं सर, नीचे भी हो सकते हैं, तो टू और जीरो। तो ये कितना हुआ? एक प्लस पांच दस, दस और वन, सबका मैच किया। कितने लोगों का मैच किया? ये दस भी हो सकता या बारह भी हो सकता। हाँ भैया रोहित, नो डाउट, दस भी हो सकता या बारह भी हो सकता। जितने फुल्ली फील्ड है उसमें तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट होता है? जब हाफ फिल्ड है। इतना सबको क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें इस टाइप के ही सवाल होते हैं। अच्छा आप देखना लास्ट सेक्शन है ये, मैं आपको इसके साथ थोड़ा सा वेट करो। देखो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप फिर अपना बुकलेट बुकलेट सब सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको है ना थोड़ा क्लास एक्सटेंड होगा भाई, 5-10 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा, तो मन 7:30 या 7:40 तक हो सकता है, 7:30-7:40 तक आज क्लास जाएगा, क्योंकि कल हो सकता है कल आपकी क्लास ना हो। देखो थोड़ा सा आराम से थोड़ा सफर करो, कल भी वैसे क्लास नहीं हुई थी आपकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, कौन भागा? आंचल शर्मा भागी और एक बीच में और बच्चे भागे थे। एडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, एडिंग डालिए। 10 मिनट लगेंगे इसको समझने में, बहुत ज्यादा इजी है।
राघव वही है, कौन गायब हुआ? चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। जब भी आयन क्या होता है, आयन जो है आपका कैटायन भी हो सकता, दूसरा क्या होता है आयन का मतलब एक कैटायन होता है, दूसरे का नाम होता है एनायन। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। ओके, तो जब भी देखो पॉजिटिव कोई भी चीज है ना, पॉजिटिव चार्ज नहीं होती। अगर हम बात करें ना तो नथिंग इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? कोई पॉजिटिव चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती। होता यह है कि उस चीज से इलेक्ट्रॉन, उस चीज से मैं सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, है ना, सब्सटेंस, जैसे मैं मोल्स की बात कर लूं या कोई मटेरियल की बात कर लूं, तो अगर उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि आपका जो एटम होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कोई भी चीज का चेंज नहीं आता, न्यूक्लियस एज इट इज मेंटेन रहता है। जो भी चेंज आता है कहां से भी, वो आता है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से। तो पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तब हम एक रूल लगाते हैं जिसको बोलते हैं ऑफ बॉ बोन्स और पॉली। तो पहले लिखेंगे फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकदम सिंपल है, फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, इन द ऑर्बिटल्स the following three rules are applied, the following three rules are applied. कौन कौन से रूल्स है देखिए, पहला है ऑफ बॉ, आपको पता ही है एन प्लस एल रूल। फिर दूसरा क्या है, बॉन्ड्स। तीसरा क्या है, पॉलीज। तो ये तीन रूल अपन फॉलो करते हैं कब, इलेक्ट्रॉन फिल करने, ये रूल्स है इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। अच्छा, फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बस एकमात्र रूल है, फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन, remove electrons to form cation, electrons are removed from the outer, removed from the outermost shell. Electrons को निकालने का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है, सबसे बाहर वाले shell से electron निकाल। fill करने के तीन तरीके, ठीक है, और निकालने का सिर्फ एक, सबसे बाहर वाले को निकाल। हो गया, सबसे सिंपल है, फिल करना है तो वॉर ये सब लगाने पड़ेंगे, निकालना है जो सबसे बाहर है उसको निकाल के फेंक दो, जो सबसे बाहर है उसको निकाल के फेंक दो, बस यही है कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन, एनायन की कॉन्फ़िगरेशन होगी। एक सिंपल सी नाइन की कंफिग्रेशन। ये है एनायन की कंफिग्रेशन। रीजन लिख लीजिए, हो गया तो डन लिखो, बस बेटा खत्म होने वाला है, बस पांच एक मिनट का और है, फिर क्या है ना, आप अभी इसके बाद में ना क्वेश्चंस कर सकते हो आराम से। रीजन लिखो, रीजन क्या है, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज लेस attractive या is less attractive
to the nucleus, less attractive to the nucleus, and hence it is removed first. And hence it is removed first. इसके वजह से उसको सबसे पहले निकाला जाता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया आयरन, आयरन Fe. एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया इसका? हाँ भैया मयंक और प्रथम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन? 26. तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी है आयरन की? आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन, आर्गन फिर टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करो. आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई. आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 लिखा है मैंने. अच्छा अब देखिएगा जरा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन. देखो इसको 3d वाले को पहले लिख दूं मैं, 1 2, पहले फिल 4s होता है फिर 3d होता है. बट अगर मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ये तो सही है, अच्छा हो गया ना. ओके ये 4s है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन. अच्छा आप बताओ 3d बाहर है कि 4s बाहर है? देखो जो जितना जिसका n बड़ा होगा ना वो मतलब उतना बाहर है, तो 4 सबसे ज्यादा बाहर है. तो जब इसका इलेक्ट्रॉन निकलने वाला होगा, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये बन गया Fe+. स्क्रीन दिख रहा है सबको? Fe+ दिख रहा है. अब इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, सबसे बाहर कौन है? 4s. तो 3d6 को तो एज इट इज रहने दीजिए, ये 4s2 से 4s1 बन जाएगा. मतलब होगा क्या, इसका जो d वाले हैं 1 2 3 4 d वाले एज इट इज रहेंगे, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. दिस इज 3d. तो ऊपर नीचे, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है. तो दिस इज 3d, ये 4s, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन. जो सबसे बाहर है 4s, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. 3 से नहीं निकलता, 4 से निकलता है. कितनों को समझ में आया? कितनों को समझ में आ गया? ये बस यही चीजें हैं. अच्छा Fe+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने? Fe+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? Fe+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो डन लिखो, 5 हो गए. देखो 1 2 3 4 5, ये तो पेयरिंग है. बस बेटा हो ही गया. तो इसमें लिखें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 5. सबने छापा? नेक्स्ट, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 5. नेक्स्ट लिखें Fe2+. Fe2+ एटॉमिक नंबर सेम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन. कौन बताएगा? खुशी बताओ बेटा. Fe का था 3d6 4s2, Fe+ का है 3d6 4s1, Fe2+ का कितना होगा बेटा? खुशी सर आर्गन 3d6 और 4s कितना? सर 4s होगा ही नहीं, 0. 4s 0. तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें
3d में हो जाएंगे, और 4s में जो है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये ऊपर 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 और ये नीचे, ठीक है। यार कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है खुशी बता बेटा? सर फोर। फोर, तो इसका म्यू कितना हो जाएगा सर? रूट 24। रूट 4 इंटू 6 दैट इज रूट 24। शाबाश। देन वी हैव Fe3+। Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 4 तो खत्म हो गया, अब किससे निकलेगा बेटा? खुशी सर 3d6 में से एक निकल जाएगा, 3d5। तो कितना बचेगा? 3d5, 4a0। तो भैया ये आर्गन एज इट इज देगा, और कौन सा निकलेगा आपको इसकी भी समझदारी है, कौन निकलेगा? ये जो पेयरिंग बना रखी थी ना इसने, ये निकल जाएगा और ऐसे हो जाएंगे सारे, और 4s तो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ। दिस इज 3d। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 5। म्यू कितना हो जाएगा? 5 × 7 दैट इज रूट 35। कितनों को समझ में आई ये? इसका यूनिट होता है bm। तो आपसे है ना वो एनायन का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता, ठीक है, वो आपसे एनायन का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, वो आपसे एनायन का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता, और वो बोल सकता है भाई म्यू बताओ इस पर्टिकुलर एनायन का, आपसे एनायन का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है और बताओ म्यू कितना है ये बताओ। सर हाँ बेटा, पहले अपन ने 4s से क्यों निकाले मेरे को वो नहीं समझा बेटा। ये रूल है, सबसे पहले जो शेल सबसे बाहर है फील कैसे करते हैं? फील करते हैं n+l रूल से, होंड से। तो जो निकालना रहता है वो सबसे बाहर जो है, सबसे बाहर, ये इसमें ये रूल नहीं लगाना जिसमें सबसे लास्ट में गया था उसी में, नहीं, जो सबसे बाहर है उससे निकालेंगे, ये रूल है बेटा। आप जब इनका क्या करते हैं, जब आपने Fe+, Fe2+ इन सबका जब आपने ये म्यू कैलकुलेट किया, when you calculate the mu, mu मतलब ये मैग्नेटिक मूवमेंट जब आपने कैलकुलेट किया तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। तो सबसे पहले कहां से निकलता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। वैलेंस शेल पढ़ा है क्या? वैलेंस शेल ये सब, तो वैलेंस शेल जो सबसे बाहर होता है उसी शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। दिस इज द रूल, दिस इज द रूल। क्या रूल है? इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज लेस अट्रैक्टिव टू द न्यूक्लियस। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, तो जो जितना बाहर रहेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, फोर्थ वाला सबसे बाहर है इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले वो निकलेगा। फिलअप करते वक्त 4 के बाद में 3 में भी जा रहा है, बट सबसे बाहर कौन है ये, तो सबसे पहले 4 निकलेगा, सबसे दूर वाला सबसे पहले निकलेगा। बस सिंपल सा रूल है और कुछ नहीं है दिव्या, बस यही रूल है बेटा। यस सर। 3D लास्ट नहीं है, देखो इसमें ऑर्बिट की बात करें, देखो देखो 1, 2, 3, 4 देखो, ये n1, ये n2, ये n3, ये n4। जब फिल करना हो तब n+l निकालो, जब रिमूव करना हो तो ओनली n देखो। देखो ये रूल है, जब फिलिंग करनी हो तो n+l, जब रिमूव करना हो तो सिर्फ और सिर्फ l। देखिए आपका 3D का एनर्जी ज्यादा होता है और 4s का कम होता है, बट दूर कौन है? 4s। तो सबसे बाहर निकलेगा कौन? जो सबसे बाहर होगा, सबसे बाहर होगा वही सबसे पहले निकलेगा। फिल करते वक्त क्या हुआ? अरे इसका 3s और 3p तो पहले भरा ही ना,
इसका 3s और 3p भरा, बट इसका 3d नहीं भरा, क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा है। अगर 3d की एनर्जी ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले 4s में भर दिया, 4s कंप्लीट होने के बाद में आपने इसमें भरा, तो निकालते वक्त सिर्फ और सिर्फ n देखना है, फिल करते वक्त n प्लस l दोनों देखना है, क्योंकि जो सबसे बाहर होगा वो पहले निकलेगा। और फिल करते वक्त सर तो इसके पहले मतलब 3 को भरना चाहिए, यस 3 भरा, 3 में आपने s को 3s को और 3p को तो पहले भरा ही था, हाँ बस इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी, इसकी वजह से पहले 4 को भर के फिर 3d को भरा, फिर क्या करोगे 3d के बाद में 4s को भरोगे, 3d के बाद में सॉरी 4s सॉरी 4p को भरोगे, 3d भरा फिर 4p पे जंप करोगे, बस इतना सही है, रूल है ये। फिल करते वक्त n प्लस रूल लगाओ और रिमूव करते वक्त सिर्फ n रूल लगाओ, जिसका n सबसे बड़ा वो सबसे पहले गेट आउट होगा। समझ में आया? अभी लास्ट नहीं, आउटर मोस्ट, ये तीसरे ऑर्बिट में ही 3d कहीं पे छुपा हुआ है। गीता समझ में आया बेटा? हाँ सर। ठीक, चलो एक एक एग्जांपल और कराते हैं आपको। ये Fe3+ प्लस हो गया था, ये लिख लिया क्या आपने? फेल करते वक्त n प्लस l, रिमूव करते वक्त ओनली l रूल, n रूल, n रूल। चलो इसका मुझे सिमरजोत बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। सिमरजोत बता बेटा, कोबाल्ट का yes, जेड कितना है सर? आर्गन जेड 27 क्या है बताओ? आर्गन आर्गन 3d7 शाबाश। तो देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई शर्म की बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट पहले फिल होगा 4s में फिर 3d में। ये क्यों ऐसे साइड में किया? ताकि आपको रिमूव करते वक्त दिक्कत ना हो। तो कोबाल्ट का जो है दैट इज दिस, डी में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 डब्बे बनाए, 1 2 3 4 5 6 और 7 ठीक है। और एस में जो है 4s में ऊपर नीचे। अच्छा बताओ बेटा, कोबाल्ट प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 3d7 4s1 3d7 4s1। तो जो d वाला है 3d वाला है उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आया, 4s में बस 2 थे तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो एज इट इज ही आया, इजी है। अच्छा कोबाल्ट 3 प्लस बताओ बेटा, कोबाल्ट 3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 3d6 3d6 और 4s0 4s0 शाबाश। तो d में देखो s के 2 गए और d से 1 निकल गया, सो दिस इज 0, दिस इज 3d, 3d में 1 2 1 2 3 4 ठीक है। कितनों को समझ में आया कॉन्फ़िगरेशन? सबको आ रहे क्या ये? ओके सृष्टि, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा कोबाल्ट में? सो 3 3 कोबाल्ट प्लस में 4 और नीचे वाले में कोबाल्ट 3 प्लस में 4 वेरी गुड शाबाश। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पता है तो म्यू भी पता चल जाएगा सभी को, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पता है तो म्यू भी पता चल जाएगा।
सबके म्यू भी निकल जाएंगे। अब एक तूफानी सवाल देता हूं, कितने लोग कर पाएंगे जरा देखता मैं। हो गया तो डन मारो इसका, इसका हो गया तो जरा डन मारो। हो गया ओके। तो आपसे है, आपको बोला है क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो और क्रोमियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको। कौन बताएगा क्रोमियम की गीत बताएगा? गीता बताओ बेटा। आर्गन 4s1 3d5 4s1 3d5। तो s में एक, d में हो गए 5। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 6। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट 48। ठीक है भैया। फिर क्रोमियम 3+ का बताओ कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम 3+ का आर्गन हाँ 4s1। ना 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 ना, पहले नहीं 3d5 नहीं, देखो देखो देखो, पहले देखो 3D से जाएंगे। 3D नहीं, पहले 4 से जाता बेटा। देखो 4 बड़ा कितनी बड़ा 4। तो इसको पहले, अगर नहीं समझ पाए ना, पहले इसको ऐसे लिखो, ये 1 2 3 4 5, ये 3D हो गया। हम रिमूव करना है मेरे को, तो ये 4S है, 4S से निकाल लेंगे। तो 4S से एक निकला, 3D से कितने निकलेंगे? दो निकलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 3 आर्गन 4s 4s 0 अरे इसमें लिखने में कोई हर्ज नहीं है, बट हाँ फिलिंग करते वक्त पहले 4s में होती है फिर 3D में होती है, रिमूव करते वक्त पहले 4 से निकलते फिर 3 से निकलेगा। तो इसके डी में कितने हैं? तीन। S में कितने हैं? 4S में 0, कुछ भी नहीं है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन। तो म्यू कितना हो गया? 15 अंडर रूट 15 bm बस हो गया bm। अरे सबको समझ में आ गया ये? सारी जनता को समझ में आया? देखो एक चीज आपको बतानी थी, वैसे तो आपका छुट्टी लग ही रहा है, जैसे कल मंडे को मेरा लेक्चर नहीं हुआ था, फ्राइडे को मेरा लेक्चर नहीं होगा, बीएसएम सर का होगा, बीएसएम सर का होगा। देखो ये वीक एक्चुअली मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, सो थोड़ा सा मैं इस काम में थोड़ा बिजी हूँ, पूजा पाठ ये सब होता है ना, और जाना भी पड़ेगा आना पड़ेगा, तो इसके वजह से मेरे लेक्चर्स आपके इसमें हो सकता है एक या दो ही लगे,
ठीक है, क्या हो सकता है कल आपकी छुट्टी भी हो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपके जो लेक्चर कल नहीं हुआ था उसका रीजन यही था, तैयारी में थोड़ा टाइम लग रहा, सब पूजा पाठ होता है ना, और संडे तक तो आना जाना भी पड़ेगा, इस वजह से आपकी छुट्टी भी हो गई। थैंक यू वेरी मच, सभी को थैंक यू। ओके, तो आज का पार्ट यहीं तक है, इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। मैं जो भी रिमेनिंग पार्ट है मैं ट्राई करूंगा कल आपका लेक्चर ले लूं, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कल आपका लेक्चर ले लूं। अगर इन केस नहीं हुआ तो आपको आपको पुरानी चीजें रिवाइज करनी, ठीक है, आपको पुरानी चीजें रिवाइज करनी। वीएसएम सर का लेक्चर चलता रहेगा फ्राइडे तक, मेरा हो सकता है कल ही लेक्चर हो या उसके बाद में ना भी हो, ठीक है, जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है बेटा। ओके, आज का लेक्चर इतना ही है, आपको समझ में आया प्लीज व्हाट्सएप करें अगर समझ में आ गया हो तो। थैंक यू सभी को, थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस। बाय सर, थैंक यू सर, बाय 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 बाय, कांग्रेचुलेशन, बाय सर, बाय सर, बाय 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 सर, बाय 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 सर, कांग्रेचुलेशन सर, सर थैंक यू थैंक यू। हां सर, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर पहले आपने वो 4S पहले क्यों बोले थे लिखने को? 4S ये वाला? हाँ बेटा, जो फिलिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बिहाफ पे 4S की जो एनर्जी होती है, 4S देखो फिलिंग होती है एनर्जी के बेसिस पे, इसका n प्लस l जो आएगा, इसका n है 4 और s है इसका 0, तो इसकी एनर्जी जो है 4। अच्छा 3D में क्या होता है, 3D का 3 का n जो है, 3D का n is 3, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, d की वैल्यू हो जाएगी 2, टोटल कितनी हो गई 5। तो एनर्जी वाइज ना पोजीशन वाइज, एनर्जी वाइज 3D इज मोर एनर्जेटिक, 3D मोर एनर्जेटिक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें बाद में फिल होगा, सबसे पहले कम एनर्जी वालों में इलेक्ट्रॉन रहता, बट रिमूव कहां से होता, जो सबसे बाहर रहता ना वो सबसे पहले रिमूव होता। जैसे मान लो आपको, जैसे मैंने पहले भी बता रखा कि मान लो आपका मेन डॉन यहाँ पे, आपको इस डॉन को मारना है, तो सबसे पहले क्या होंगे, पहरेदार होंगे, गार्ड्स होंगे, तो जो गार्ड सबसे आपको एंटर मारना है, आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सबसे बाहर जो रहेगा ना, आउटसाइड दुनिया से कनेक्टेड, ये एटम है और ये एटम के सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में है, तो ये सबसे पहले यही निकलता है, सबसे पहले जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन होगा ना वो निकलेगा। फिल करने का रूल अलग है और रिमूव करने का अलग है, जो सबसे बाहर होता वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि ये सबसे बाहर है ना, तो ये आउटसाइड दुनिया से ज्यादा अटैच है, तो जो भी इस पे हमला होगा वो सबसे पहले आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन पे हमला होगा, इसके पहले ये फिल करते वक्त अलग है। फिल कब होता है सर, फिल जब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स दिया जाता है या जब एटम बनते हैं तब फिल होता है। ये रूल है बेटा, सबसे दूर वाला पहले निकले, वाला पहले निकले, ये रूल है। कैसे पता चला सर यही रूल है, हमने सबका बीएम जो है मैग्नेटिक मूवमेंट वो एक्सपेरिमेंटली ट्राई किया, देखा, तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रू निकला कि जो सबसे बाहर है वही पहले। और okay,